मुसलमानों की बात की जा रही है, उनको वोट लेने की बात की जा रही है, इस पे आपका क्या नजरिया और आप इस तरीके से देखिए मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, मगर मुसलमानों की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म का दम भरने वाले सबसे बड़े समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव साहब ने सबसे गठबंधन किया, सारे छोटे दलों को साथ ले लिया, 1% वाले, 2% वाले, 1.5% वाले, 3% वाले, मगर किसी मुस्लिम दल को उन्होंने साथ नहीं लिया। ये विश्वासघात है कि नहीं है मुसलमानों के साथ? अब उसके बाद भी छोड़ दीजिए, आप किसी मुस्लिम दल को साथ नहीं लिया, और उसके साथ साथ जो उनके अपने अंदर मुस्लिम नेता लोग थे जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको साइडलाइन लगा दिया, कुछ लोग को मस्जिद से धक्के मार के नीचे उतारा जा रहा है, कुछ लोगों को किनारे लगाया जा रहा है, टिकट काटा जा रहा है। आप देखिए दीदारगंज में काटा गया, मुबारकपुर में काटा गया, टांडा में काटा गया, देवबंद में काटा गया, फैजाबाद में काटा गया, मुजफ्फरनगर में 70% मुस्लिम आबादी, एक मुसलमान को टिकट नहीं। तो ये ज्यादती है कि नहीं? ये कौन सी हिस्सेदारी और कौन सा समाजवाद है? जनता पूछ रही है, जनता देख रही है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, इस बार अपार जनसमर्थन लोगों का मिल रहा है। लोग उनके साथ जा रहे हैं जो लोग लड़ते हैं, जो लोग बोलते हैं हमने लड़ाई लड़ी है, हम जेल गए 3 महीना, हमने संघर्ष किया CNRC के लिए, पूरे हिंदुस्तान में हम घूम के गए, हमने शुरुआत की थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आंदोलन की, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जेल गए, उलमा काउंसिल के 26 पढ़ने वाले बिलरियागंज के छात्र जेल चले गए देशद्रोह के मुकदमे में, कोई MBBS कोई BTEC का छात्र था, औरतों पर रात के अंधेरे में लाठियां चली, क्या उस पर एक बार अखिलेश यादव ने बोला? आजमगढ़ के सांसद हैं, लोगों के बहु भोज खाने का वक्त है उनके पास, मगर उन बच्चों से मिलने का समय नहीं है, आजम खान से मिलने का समय नहीं है। तो ऐसे लोगों को जनता देख रही है, ऐसे लोगों का जिले का मुसलमान भी देख रहा है, उन लोगों को भी समझाएगा, उन लोगों को भी एहसास कराएगा अपनी ताकत का कि भैया हम किसी के मधुआ मजदूर नहीं है, हमारा वोट किसी बेवा औरत का माल नहीं है कि आप आए और लूट के लेके चले गए। अब मुसलमानों की जो नई जनरेशन आ रही है वो समझदारी की बात कर रही है, हिस्सेदारी की बात कर रही है, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे साथ हर वर्ग है। हम संविधान की कॉपी लेके निकले देश को बचाने, संविधान को बचाने, जो भी छात्र हैं पढ़ने वाले चाहे वो किसी वर्ग के हों, उन सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, उन सारे लोगों का साथ मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों के अपार जन समर्थन में इस बार दीदारगंज विधानसभा के अंदर बदलाव होगा और एक नई उम्मीद की किरण जलेगी और युवा शक्ति आगे बढ़ेगी। शुक्रिया सर, शुक्रिया।